नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपके आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए जी, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक साधना के नियम से रिलेटेड है। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते हो जान लें, जब भी आप भगवान की पूजा पाठ अर्चना करते हैं, आप अगरबत्ती जलाते हैं, आप धूप बत्ती जलाते हैं, लोबान जलाते हैं, आप गुग्गल चलाते हैं, आप कपूर से आरती उतारते हैं, लौंग से उतारते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये पूजा में आता है। लेकिन जब आप पर्टिकुलर एक देवी या देवता की संकल्प लेकर 21 दिनों के लिए, 31 दिनों के लिए, 41 दिनों के लिए, 51 दिनों के लिए कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, जो एक निश्चित संख्या अवधि में होता है, उसको बोलते हैं साधना। यानी अपने आप को साध लिया आपने, आप अब इधर से उधर पूरी दुनिया हो जाए। आप अगर सुबह का संकल्प लिए हैं तो सुबह करेंगे, रात का लिए तो रात को बैठ के मंत्र का जाप करेंगे, यही साधना होता है। साधना से आप उस देवता को साधते हैं, उसकी शक्ति को साधते हैं, मंत्रों की शक्ति को साधते हैं, मंत्र को सिद्ध करते हैं और लोगों का भला करते हैं, अपना भला करते हैं। तो आशा करता हूं आपको साधना और पूजा पाठ में अंतर पता चल गया है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं साधना के ऐसे नियम। देखिए, आप किसी की भी साधना करें, चाहे वो निम्न कोटि का राक्षस हो, अघिया बैताल हो, भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी हाकनी साकनी लाकनी अपरा डाकनी, कोई भी शक्ति हो, या फिर देवी देवता हो, ग्राम की देवता हो, कुल देवी देवता हो, भगवान हो, इष्ट हो, अप्सराएं हो, गंधर्व यक्षिणी नाग कन्याएं, इनकी साधना के कुछ नियम होते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे नियम बता रहा हूं, इनकी इस नियम के बिना आपकी पूरी साधना बेकार है। ये गलती मत करिएगा, अगर करेंगे तो आपको आपकी पूजा का फल बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। बिना कोई वीडियो के समय गमाए मैं आपको 14 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, उसको अपने जीवन उतारिएगा, उसका फायदा ही आपको मिलेगा। साधना करने के लिए जिस भी आसन पर आप बैठे उसे पैरों से नहीं हिलाएं। जाप करने के लिए इस्तेमाल होने वाली माला को खूंटी या कील पर न टांगे। साधना के दौरान हल्का भोजन लें। साधना के दौरान क्रोध ना करें और मौन धारण करें। अलग अलग देवी देवताओं के मंत्रों के लिए अलग माला का इस्तेमाल होता है। जैसे ज्यादातर मालाओं में रुद्राक्ष की माला होती है, लेकिन अगर आप अग्नि की साधना करते हैं, बजरंग बली की साधना करते हैं, तो मूंगे की माला सर्वश्रेष्ठ रहेगी। भगवान श्री कृष्ण के लिए वैजयंती की माला, तुलसी की माला, कमलगट्टे की माला सर्वश्रेष्ठ रहेगी। मां लक्ष्मी के लिए कमलगट्टे की माला हमेशा अच्छी रहती है। मां बगलामुखी के लिए और भगवान नारायण के लिए या फिर बृहस्पति देव के लिए पीली हल्दी की माला सर्वश्रेष्ठ रहती है। भगवान शंकर के लिए आप चाहे रुद्राज की माला से भी कर सकते हैं, सफेद चंदन की माला से भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्रों के लिए आप रुद्राज की माला, साथ साथ आप काले हकीक की माला से भी कर सकते हैं और मूंगे की माला से भी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार की अप्सराओं या छुड़ियों के लिए आप स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। साधना के दौरान छींक या जमाई आने पर वायु दोष लगता है, इससे बचने के लिए जाप के दौरान तांबे के पात्र में जल और तुलसी रखें। साधना के दौरान सूर्य के दर्शन करें और प्रार्थना करें। साधना के बाद आसन छोड़ने से पहले थोड़ा जल जमीन पर डालें और उससे अपना मस्तक और आंखें धोएं। अगली बात, अपनी साधना की विधि दूसरों को ना बताएं। अगर दूसरे लोग आपकी बातों से सहमत नहीं है, कोई मतभेद बता देते हैं, तो आप अपने आप पर और अपने साधना के गुरु की बातों पर विश्वास रखें और उन्हीं का आदेश मानिए। इधर उधर बगले झांकने की जरूरत नहीं है, जितने लोग उतनी बातें। योग साधना में आंतरिक शुचिता पर आप ध्यान केंद्रित करें, अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें, एक ही समय को चुने। योग साधना के 8 क्रम हैं और साधना के 4 आयाम हैं, साक्षी ध्यान
सुमिरन और समाधि। तो इसीलिए अपने मन में मंत्रों को पढ़े। मंत्र भी तीन प्रकार के हिसाब से जपे जाते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक बोल बोलकर होता है, उपांशु बुदबुदा के होता है और मानसिक मन में होता है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र मानसिक काम करता है। तो कोशिश करें पहले आप वाचिक बोल बोल के मंत्रों का जाप करें, तेज तेज बोलें, इससे नींद नहीं आएगी। जब आप इसमें विजय प्राप्त कर लें तब आप उपांशु बोलें, दूसरे को सुनाई न दें। इसका फल इससे 10 गुना मिलता है। इसमें आप सिर्फ बुदबुदाते हैं। इसके बाद आप मानसिक करते हैं। मानसिक वही इंसान कर सकता है जिस इंसान ने एक जगह पर अलथी पालथी मारना जान लिया हो, उस पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसे भूख न लगती हो, जिसे बीच बीच में लघु शंका दीर्घ शंका न लगती हो, जो इंसान मन को कंट्रोल कर सके। क्योंकि जब आप बिल्कुल भी कुछ मंत्रों का जाप नहीं करेंगे, आंखें बंद करेंगे, ध्यान लगाएंगे, आपका मन शून्य हो जाएगा, तब चांसेस है कि आपको नींद आ जाए। तो ये सारे क्रम मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी मैं ऐसा करता हूं, मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिनको भी पसंद आया, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलम की।